नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज में पुलिस प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों तथा रिजॉर्ट आदि में देर रात तक छापेमारी अभियान चलाया था तथा उनके दस्तावेज चेक किए गए। वहीं छापेमारी के दौरान प्रशासन को सितारगंज के सितार होटल और शिशौना में स्थित अशोका होटल में अनियमितताएं पाई गईं। साथ ही अनियमितताओं पाए जाने पर प्रशासन ने दोनों होटलों को सीज कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा छापेमारी अभियान को देखते हुए पूरे शहर में हड़कंप मच गया तथा कुछ होटल व्यवसायियों ने अपना अपना होटल को पुलिस प्रशासन को की टीम के पहुंचने से पहले ही ताले लगा दिए। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि सितारगंज में होटलों में छापेमारी अभियान चलाया गया है, जहां जांच के दौरान दो होटलों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिनके खिलाफ सीज की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। दृष्टिगत इसको सीज किया गया है और जब कमियां पूरी कर ली जाएंगी उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे करेंगे। हाँ, ये तो चली रही है, अभियान चली रहा है। सभी जितने भी होटल्स हैं सभी को में जो भी कमियाँ हैं उनके उनकी चेकिंग की जा रही है। अभी चल रही है, अभी अभियान लगातार जारी।